विकलांग अधिकार मंच नानौद ब्लॉक कमेटी की एक बैठक शहीद भगत सिंह पुस्तकालय में हुई, जिसके बाद उन्होंने शहर में प्रदर्शन करते हुए नानौद के तहसीलदार को एक ज्ञापन भी सौंपा। विकलांग अधिकार मंच नानौद ब्लॉक के प्रधान सूबे सिंह ने कहा है कि आज हमने विकलांग अधिकार मंच की तरफ से नानौद के तहसीलदार को हमारी मांगों के समर्थन में ज्ञापन दिया है। ज्ञापन के माध्यम से हमने सरकार को चेतावनी दी है कि हमारी मांगों को पूरा करे, अन्यथा आने वाले लोकसभा के 2019 के जो चुनाव हैं, उसमें पूरे हरियाणा के विकलांग सरकार को वोट नहीं देंगे। हमारी मुख्य मांगे इस प्रकार हैं, जिसमें कि 5,000 रुपए मासिक पेंशन और जो विकलांग 40% हो उसका विकलांग सर्टिफिकेट होना चाहिए और बस किराया माफ होना चाहिए और सभी विकलांगों के पीले कार्ड बनाने चाहिए। इसके साथ ट्राईसाइकिल मिलनी चाहिए और जो सरकार में विकलांगों के खाली पद हैं वे सरकार द्वारा तुरंत भर देने चाहिए। मीटिंग का एजेंडा जो 2016 का जो कानून था वो आज तक सरकार ने नहीं लागू किया गया और आज हमने विकलांगों ने इकट्ठे होकर तहसीलदार को विज्ञापन सौंपा ताकि हमारी मांगों को सरकार पूरा करे, अन्यथा हम आने वाले 2019 को जो चुनाव है उसमें हम सभी विकलांग सरकार को वोट नहीं देंगे। अगर सरकार हमारा काम करेगी तो हम सरकार से दूर भी नहीं हैं। क्या मांगे आपकी मुख्य? हमारी मांगे हैं 5,000 रुपये पेंशन होनी चाहिए हर विकलांग की और 40% से ऊपर विकलांग का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए और बसों का किराया माफ होना चाहिए और सभी विकलांगों को पीले या गुलाबी कार्ड दिए जाए बनाए जाए, यही हमारी। और ट्राई साइकिल मिलनी चाहिए और जो खाली पद विकलांगों के पड़े हैं वह भरने चाहिए सरकार को। आज हमने तहसीलदार को विकलांग रामकेश ने कहा है कि 2016 से मुख्यमंत्री हमारी मांगों को पूरा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि 2016 में मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी आपकी मांगों को पूरा किया जाएगा। हमने हर जगह प्रदर्शन किया है, चाहे डीसी ऑफिस में हो या एसडीएम ऑफिस में हो, लेकिन सरकार ने अभी तक हमारी कोई भी मांग को पूरा नहीं किया है। इसलिए हमारी सरकार से प्रार्थना है कि हमारी सभी मांगे पूरी की जाएं। हमारी मांग इसी करिए है, 2016 से मुख्यमंत्री महोदय को पूरी नहीं की गई अभी तक। क्यों? हम निर्वे कैसे कर सकते हैं? हम डीसी के पास भी ज्ञापन दे चुके 3 दिसंबर को और पीछे एसडीएम साहब को 6-9 को दे चुके, लेकिन इन लोग सरकार ने कोई हमारी शिकर मांग पूरी नहीं की गई। कृपा है हरियाणा गवर्नमेंट को, हमारी यही निवेदन है कि तुरंत 30-9 को हमने एक कैंप लगाया था, कैंप में हमारी रसीद वगैरह है, रेड क्लास से कोई हलत नहीं की उपायुक्त साहब ने। कृपा है हमारी तुरंत पूरी की जाए, हम सरकार का आभार प्रकट करते हैं। नारनौद के तहसीलदार अशोक कुमार ने कहा कि आज विकलांगों ने अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन दिया है, उस ज्ञापन को सरकार तक पहुँचा दिया जाएगा। आज जो है विकलांग एसोसिएशन के प्रधान सूबे सिंह के माध्यम से जो है एक मांग पत्र जो है मुझे दिया है, जिसमें कुछ मांगों का जिक्र किया गया है और मैं सभी विकलांग भाइयों को ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि उनकी जो भी डिमांड है उनको सरकार तक जल्द से जल्द पहुँचा दी जाए। नारनौद से दीपक। आप देख रहे हैं सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।